मैं राम निवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखर। आज मैं आपको जेपी जयप्रकाश नारायण के समाजवाद पर विचार भाग 2 पर चर्चा करूंगा के बारे में बताऊंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि भाग 1 में हमने चर्चा की थी और उसी क्रम में उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि कहना चाहिए कि समाजवाद का अर्थ प्रकृति और मार्क्सवाद के को एक प्रकार से प्रारंभिक काल में उन्होंने पसंद किया था, बाद में उसके बड़े आलोचक हो गए थे। तो इस प्रकार से वो तो सारा सब अध्ययन भाग 1 में कर लिया था। अब दूसरा मैं इसमें सबसे पहले लेता हूँ समाजवाद का लक्ष्य। जेपी के अनुसार समाजवाद का लक्ष्य गरीबी और शोषण से मुक्ति, सबको विकास के समान अवसर, समाज के भौतिक और जो नैतिक स्रोत हैं उनका संपूर्ण विकास हो और समाज की इच्छा व आवश्यकताओं के अनुसार समाज के लिए श्रम व सेवा करने वालों के लिए राष्ट्रीय संपत्ति व सामाजिक शैक्षणिक तथा अन्य सेवाओं का न्याय संगत संविभाजन। जेपी का कहना था कि समाजवाद भारतीय संस्कृति के मूल्यों के अनुरूप है। सदैव ही यहाँ पर भारतीय संस्कारों में पद दलितों को मुक्त करने का समर्थन किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो समाजवाद का लक्ष्य था उसके बारे में बताया है कि समाज का भौतिक और नैतिक विकास है और वो विकास सबके हित में, सेवा श्रम और सेवा करने वाले जो लोग हैं उनका संपत्ति में राष्ट्रीय जो संपत्ति है और सामाजिकता है शैक्षणिक व अन्य सेवाओं का सबका न्याय संगत संविभाजन करना है और इसमें किसी का शोषण नहीं होगा और जो भी दीनहीन कमजोर होगा पिछड़ा हुआ होगा उसको मुख्य धारा में रखने का अच्छा प्रयास किया जाएगा। जो जेपी साहब का समाजवाद है अब हम उसकी विशेषताएं ले रहे हैं, मैं आपके सम्मुख एक एक करके उनको रखने जा रहा हूँ। तो पहली विशेषता है राजनीतिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की समाप्ति। देखो जो भी राजनीतिक ताकत का केंद्रीयकरण, इसके भी वो खिलाफ थे कि एक ही जगह सारी सत्ता का केंद्रीयकरण हो जाए, दिल्ली में हो जाए फिर जयपुर, नहीं वो चाहते थे कि ग्राम और समुदाय वहाँ तक उसका अच्छी प्रकार से प्रसारण हो। और आर्थिक विशेषाधिकार जैसे पूंजीपति या जमींदारी, जमींदार हैं जागीरदार हैं तो उनको समाप्त करना भी, उनके अधिकारों को कम करना भी उनका एक लक्ष्य था। दूसरा शोषण की समाप्ति। जेपी साहब अमानवीय शोषण के खिलाफ थे, वो आर्थिक और राजनीतिक साधनों जो भी साधन थे उन पर जन नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे क्योंकि उनके बिना शोषण को रोका नहीं जा सकता। तो आर्थिक और राजनीतिक जो सत्ता है उस पर जन नियंत्रण, समाज का नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा समानता की भावना। शोषण की समाप्ति के साथ ही किसी भी आधार पर नागरिकों में भेदभाव की समाप्ति भी होनी चाहिए। जन्म और विशेषाधिकार से संबंधित सभी जो भी असमानताएं हैं
उनको समाप्त किया जाना चाहिए। उत्तराधिकार में कोई उपाधि मिले या राज्य सामाजिक स्तर पर कोई उपाधि प्रदान करे तो ये सब समाज में असमानता पैदा करते हैं। तो इन सब का इन सबको अच्छी प्रकार से एक क्रमशः समाप्ति की ओर इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा है। राजनीतिक व आर्थिक विकेंद्रीकरण, जेपी साहब का कहना था कि प्रतिनिधियात्मक शासन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में जनता को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। स्वशासन, विकेंद्रीकरण, पावर के लिए सेंट्रलाइजेशन ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर का। अहिंसक जन आंदोलन, समाजवाद के लिए भूमि का पुनः वितरण होना चाहिए। इसके लिए तीन साधन अपनाए जा सकते हैं, एक समाजवादी दल का सत्ता में आना, दूसरा कृषकों व भूमिहीन श्रमिकों द्वारा हिंसक आंदोलन, और तीसरा किसानों द्वारा शांतिपूर्ण जन आंदोलन। तो इन तीनों में जेपी ने जो तीसरा है किसानों द्वारा शांतिपूर्ण जन आंदोलन, इसको प्राथमिकता दी है। और वो कहते थे कि कोई भी आंदोलन करें तो गांधी जी के ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन किए थे उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। गांधी जी को वो अपना आदर्श मानते थे। आर्थिक समाजवाद, जेपी साहब का कहना था कि मेरे समाजवादी भारत का चित्र इस प्रकार से होगा, सहकारी कृषि, ग्राम पंचायतों द्वारा सामूहिक कार्य, इसके दो प्रमुख भाग हैं, कृषि और उद्योग। कृषि खेती भूमि से जुड़ी भी है, इसके साथ जुड़ी है भूमि। कृषि के लिए दो स्तर हैं, भूमि से संबंधित जटिल समस्याएं जो समाजवाद के लिए बाधक हैं, और समाजवादी कृषि के लिए दो स्तर हैं, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। इसमें जमींदारी व्यवस्था समाप्त करके भूमि की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी के 1000 बीघा 100 बीघा जमीन हो और जमीन उसके पास ही रहेगी जो जोतता हो और गांव में रहता हो, ये नहीं कि वो दूसरी जगह जाकर शहर में रहे। तो कृषि अर्थव्यवस्था की इकाई ग्राम रहेगा। राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार भूमि से संबंधित शक्ति ग्राम पंचायतों के पास होगी और वे ही भूमि व्यवस्था का कार्य करेंगे। कोई भी कृषक ग्राम पंचायत के अतिरिक्त किसी को अपनी भूमि का विक्रय नहीं कर सकेगा। इस अवस्था के बाद सामूहिक कृषि की अवस्था होगी, जिसमें कृषि भूमि पर निजी स्वामित्व की समाप्ति कर दी जाएगी। समान उसके लिए रूस में जो अवपीड़न तरीका अपनाया था वो यहाँ नहीं, यहाँ केवल विधि और शांतिपूर्ण तरीकों से ये सुधार किए जाएंगे। उद्योग के बारे में भी उन्होंने कहा, इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने कहा कि सभी लघु उद्योगों को उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं में संगठित किया जाएगा। इनके नियमन हेतु विधि निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा राज्य द्वारा कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बड़े उद्योग तो नहीं, परंतु मध्यम उद्योगों का संचालन जो राज्य या सहकारिता के प्रथम तथा नगरपालिका या सामुदायिक स्वामित्व के से संबंधित है तो इनके द्वारा किया जा सकता है। बड़े उद्योगों में राज्य व श्रमिकों के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर समान रूप से उनको संचालित करेंगे। तो इस प्रकार से ये इंडस्ट्री को भी इसमें लिया है, और इस वीडियो को तैयार करने में सामग्री इस
के हिसाब से बहुत बड़ी सहायता श्री राम वर्मा की पुस्तक और पुखराज जैन साहब की पुस्तक का बड़ा सहयोग मिला है। और इसके साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझने का प्रयास किया, और यहीं पर मैं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। आपसे फिर मिलूँगा, फिर अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। आपके लिए मैं अच्छा सा विषय वस्तु टॉपिक लेकर आऊँगा। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।